खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विगत दिवस ललितपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें दोनों बड़े दलों के नेता गण मौजूद रहे। सपा कार्यालय का उद्घाटन गठबंधन की प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, सपा जिला अध्यक्ष ज्योति लोधी, रमेश खटीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक, त्रिभुवन यादव, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, गुलाब मोहम्मद गामा, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष एवं बीएससी जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी एवं समाजवादी पार्टी एवं बीएसपी पार्टी के दोनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अनेक मौजूद रहे। हम लोग आगे आने वाले समय में जब हम यहाँ से चिंतक जाएंगे तो इसमें हम लोग गठबंधन की सरकार बनेगी और वहाँ से हम लोग कारखाने यहाँ लगवाने का काम किया है। हम लोगों की जब सरकार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो आपने देखा हुआ पिछले हुआ पर बहुत बड़ा बिजली का कारखाना बनवाने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। जब से आज तक ललितपुर से समय जगत के लिए सुनील सैनी की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।